एसपी, एसएसपी और सदर विधायक। मौके पर मौजूद लोगों की जुटी भीड़। छत पर लगे लोहे के मजबूत गेट को तोड़ा गया, तिजोरी का टूटा ताला, मौके पर मिली आरी। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने दो सराफा व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों का सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया। बाद में एसपी और एएसपी सदर विधायक भी व्यापारियों से मिले। फोरेंसिक टीम ने भी नमूने लिए। नगर के मोहल्ला चौधरियाना निवासी भाजपा नेता और नामित सभासद रहे वीरेंद्र सोनी के भाई रामजी स्वर्णकार और बबलू और फर्दनवीस निवासी विशाल सोनी पुत्र प्रमोद सोनी की चौकी के नीचे चंद कदम की दूरी पर बाजार है। बैठगंज में सराफा की दुकान है। पास में ही झंडा और चौराहे में रात में पिकेट ड्यूटी भी रहती है। शनिवार की रात करीब 8 बजे दोनों व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए। रात में किसी समय चोर दुकानों के ऊपर चढ़ गए। चोरों ने छत पर लगे लोहे के मजबूत गेटों को के कुंडे को तोड़ दिया। कुंडे तोड़कर चोर दुकान में घुस गए और चोरों ने राम जी की दुकान के अंदर दो तिजोरियों को तोड़कर लगभग 4 किलोग्राम चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए, और सोने की 8 अंगूठी, 4 जोड़ी कान के कुंडल, कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए समेत 10,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। जिसके बाद व्यापारियों ने चोरी की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी अतुल राजपूत, प्रभारी कोतवाल आनंद सिंह हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच गए और मौके का मुआयना किया। दोपहर में नवागंतुक एसपी डॉक्टर एराज राज, एसपी असीम चौधरी पीड़ित व्यापारियों से मिले और चोरी को लेकर जानकारी ली। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर फिंगरप्रिंट आदि नमूने एकत्रित किए। चोरी के खुलासे के लिए सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को भी लगाया गया है। उक्त संदर्भ में एसपी ने कहा है कि शीघ्र ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। अपडेट मीडिया के लिए जालौन से ब्यूरो रिपोर्ट।